भीड़ उड़ा रहे हैं लोग और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजार में उमड़ रही है भीड़। गंगाघाट थाना क्षेत्र के पोनी बाजार का ये मामला है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए लोग। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है, कुछ रियायतें दी गई हैं, हालांकि उन्नाव ऑरेंज जोन में है और जो रियायतें दी गई हैं उसके बाद लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत सभी को है दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से यहां पर धज्जियां उड़ाई गई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। दुकानें लगी हुई हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर यहां पर सब्जी खरीद रहे हैं। गंगाघाट थाना क्षेत्र के पोनी बाजार का ये मामला है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश शुक्ला हमसे जुड़ चुके हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन की खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। गंगाघाट क्षेत्र के पोनी बाजार का मामला है जहाँ पर लोग जो है खुलेआम जो है मंडी लग रही है और यहाँ पर बिना किसी सैनिटाइजर उसके मास्क के और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो रही है और सुबह का समय रहता है जिस समय लोग यहाँ पे फल सब्जियाँ और सब्जी मंडी लगती है तो वहाँ पर एकत्रित होते हैं और उसको खरीदारी करते हैं। क्या आपकी किसी अधिकारी से कोई बात हुई है कि आखिर प्रशासन कहा है जब सख्त हिदायत दी गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? जी अभी तो प्रशासन से बात हुई है तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा है कि इसका जो है इस पे कार्रवाई करेंगे और इस पे विशेष उनकी नजर हुई है बनी हुई है जब मैंने उनके संज्ञान में डाला हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए अवनीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको नाव से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर लोग सब्जी खरीद रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, प्रशासन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा रहे हैं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उनसे पालन करवाए। और अब प्रयागराज से आप